アクシ Hello everyone, good morning. वेलकम टू दी एम वाइव आप सभी का वेलकम है स्वागत है एम वाइव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का वेलकम आप सभी का स्वागत और जितने भी लोग सेशन के साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को शुप्रभा आज है सैटरडे यानी कि शनिवार और शनिवार को आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग वीकली करेंट अफेयर्स रिविज़न आप सभी के साथ करते हैं तो चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ वीकली करंट अफेयर्स रिविज़न के लिए दस फरवरी आज की तारीख यहाँ पर बनती है और लगभग 100 के आसपास पास एमसीक्यूज का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन में आप सभी के साथ करेंगे सो आई होप कि आप सभी को यहाँ पर आज के सेशन से काफी हेल्प मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन का जो सेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप सभी को करंट अफेयर्स लर्न कराई जाए करंट अफेयर्स याद कराई जाए जो कि इसका मेन एम यहाँ पर बनता है स्नेहा रिपर्ना अंशिका अवस्थी अर्पित लिटिल मोंग कमलेश राखी गर्ग हिमानी सुधीर आ, पिंकी साहनी सभी को यहाँ पर गुड मॉर्निंग सभी को यहाँ पर प्रभात चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज का मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे और आज का मोटिवेशन कोट आप सभी के सामने ये रहा लिखा हुआ है कि बिलीव यू कैन बिलीव यू कैन मतलब आपको भरोसा रखना होगा कि आप ये कर सकते हैं बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर यानी कि अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो बस आधा काम आपके यहाँ तो पर पूरा हो गया आधा रास्ता आपने वहां पर पूरा आ, कवर कर लिया आधा रास्ता पूरा हो गया उस सफर का जिस मंजिल के लिए आप वहां पर आगे बढ़े थे तो जिस भी सपने को आप साकार करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको ये भरोसा करना होगा कि हाँ आप उस काम को पूरा कर सकते हैं इस बात का आत्मविश्वास आपको होना चाहिए और अगर आपको इस बात का आत्मविश्वास है बिलीव है तो फिर आप आधा रास्ता वैसे ही तय कर लेंगे ओके चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए ओके आगे बढ़ते हैं और पहले कुछ जरूरी बातें यहाँ पर करेंगे और फटाफट से फिर सेशन की शुरुआत यहाँ पर करेंगे सबसे पहले मेरा नाम है अंकित गुप्ता जिनको नहीं पता उन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है और पिछले दस सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और पिछले छः से सात सालों से मैं यहाँ पर डिजिटली टीच कर रहा हूँ यानी कि ऑनलाइन टीच कर रहा हूँ ठीक है और एमबाइव एप्लीकेशन आप सभी लोग जिस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट जो सेशन यूट्यूब पर देखते हैं ठीक इसी प्रकार सेशन आप लोग देख सकते हैं वाच आउट कर सकते हैं इसी तरह के, के सेशन आप लोग यहां पर वाच आउट कर सकते हैं एम बाइव एप्लीकेशन पर भी तो एम बाइव एप्लीकेशन पर सेशन को ज्वाइन जरूर कीजिए और <coughs> और एम बाइव एप्लीकेशन पर डेली बेसिस पर दो सेशन आपके यहां पर होते हैं एक सेशन तो आपका यहां पर होता है डेली बेसिस पर वो होता है 1 पर और दूसरा सेशन जो आपका यहाँ पर होता है डेली बेसिस पर वो होता है आपका दूसरा सेशन जो आपके यहाँ पर होता है वो होता है शाम पांच बजे ठीक है तो ये दो सेशन आपके लिए डेली बेसिस पर होते हैं इनका लाभ उठाइए ठीक है भाई चलिए एम बाइव लेंस एप्लीकेशन को अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा ये एप्लीकेशन भी आपके लिए शानदार एप्लीकेशन यहाँ पर बनती है जो कि आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करती है ठीक है तो आप उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं एम बाईव लेंस एप्लीकेशन को ठीक है भाई एम बाइव आप सभी को ये सभी फीचर्स ऑफर करता है एम बाइव लेंस इंटरेक्टिव कोबो लेसेंस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं टेस्ट वगैरह आप दे सकते हैं एग्जाम के हिसाब से अपनी अचीव जर्नी यहाँ पर सेट कर सकते हैं लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं और डाउट रेजोल्यूशन साथ ही साथ एम बाइव लर्न वाले सेक्शन पर अगर आप जाएंगे तो सेवेंटी थाउजेंड प्लस वीडियो लेसन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और टू थाउजेंड प्लस बुक्स आपको वहां पर मिल जाएंगी जिनसे आप वहां पर सीख सकते हैं तो इसका भी यूटिलाइजेशन कीजिए इन फीचर्स को भी यूटिलाइज कीजिए यूटिलाईज एप्लीकेशन के ओके चलिए शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन के डिस्कशन तैयार हो जाइएगा लगभग हंड्रेड एम सी है जिनका डिस्कशन हम लोग यहां पर करने वाले हैं तो बस अब तैयार हो जाइए रेपिड फायर मोड रिविजन के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए रैपिड फायर मोड रिवीजन के लिए सभी लोग तैयार हैं से यस एवरी वन एंड डू लाइक द सेशन तो जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक यहाँ पर जरूर कर दें सेशन अब शुरू होने वाला है तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा ओके शुरू करें सेशन चलिए तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा अब तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए क्वेश्चन नंबर वन के साथ पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रीड कीजिएगा और फटाफट से आंसर दीजिएगा रीड कीजिएगा और फटाफट से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन

जी गुड मॉर्निंग वेलकम डियर तो पंजाब यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा पंजाब सरकार ने रिसेंटली मेपल्स नाम की एक, एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था जिसके माध्यम से जो संभावित एरिया होते हैं सड़क दुर्घटनाओं के उन एरियाज पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को जो लोग वहां से गुजरने वाले हैं ताकि उन्हें पता चले कि यह एरिया सड़क के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहां पर वो थोड़ा सा सेफ फील कर सके वहां पर उनको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो वो थोड़ा सा सुरक्षित तरीके से वहाँ से निकलेंगे पंजाबी लैंग्वेज में उनको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो लोग वहां से गुजरते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच ऑटोमेकर कर क्लेमड दाइटल ऑफ द वर्ल्ड टॉप सेलिंग ऑटोमेकर इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आराम से रीड करके आंसर यहाँ पर दीजिएगा किस वाहन निर्माता ने दो हजार तेईस में दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले वाहन निर्माता का खिताब आपके यहाँ पर जीत लिया है यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो व्हीकल्स है वो इस कंपनी के आपके यहाँ पर बिके हैं इस कंपनी के आपके यहाँ पर बिके हैं तो कंपनी का नाम यहाँ पर क्या रहेगा पांच ऑप्शन कंपनी का नाम यहाँ पर क्या रहेगा पांच ऑप्शन सबसे ज्यादा वाहन किस कंपनी ने आपके यहां पर बेचे हैं ठीक है करेक्ट आंसर पांच ऑप्शन सही जवाब ये कंपनी आपके यहां पर बनती है टोयोटा टोयोटा कंपनी किस कंट्री से बिलोंग करती है तो यह कंपनी आपकी बिलोंग करती है जापान से मुझे कमेंट में करके ये बताइएगा कि टोयोटा के बाद सेकंड पोजीशन पर दुनिया में सबसे ज्यादा वाहन बेचने वाली जो कंपनी है सेकेंड पोजिशन पर उस कंपनी का नाम क्या है सेकेंड पोजीशन पर कौन सी कंपनी है टोयोटा के बाद सेकंड पोजिशन पर जो कंपनी आपकी बनती है उसका नाम है फॉक्स ठीक है तो वो सेकेंड पोजीशन पर रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डेड

करप्शन right? पर कौन सा कंट्री है चलो यह तो आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा इसलिए मैं अभी यहां पर यह डिस्कस नहीं करूंगा विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विच शोज दैट द मोस्ट कंट्रीज आर फेलिंग टू स्टॉप करप्शन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 को जारी किया है जो दर्शाता है कि अधिकांश देश भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि करप्शन जो होता है करप्शन बिन मतलब करप्शन जब होता है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती यानी कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है पारदर्शिता नहीं है करप्शन वहीं पर होगा तो ये एक ट्रिक थी आप सभी को याद कराने के लिए कि कैसे आप ये याद कर सकते कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है तो भ्रष्टाचार जब भी होता है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ना भ्रष्टाचार छुप होता है राइट ट्रांसपेरेंसी नहीं होती इसलिए हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जरूरत पड़ती है बात खत्म याद करने का तरीका क्लियर है मेरी बात महिमा सिन्हा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुप्रभात सुप्रभात सभी को चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द द टॉप परफॉर्मर ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में टॉप प्रदर्शन करने वाला देश है यानी कि नंबर वन पोजिशन पर कंट्री आपका यहाँ पर बनता है इस कंट्री में करप्शन का कोई भी मार्क नहीं है आप ऐसे याद करो इस कंट्री में करप्शन का भ्रष्टाचार का कोई भी मार्क नहीं है क्योंकि ये कंट्री है डेनमार्क ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर ठीक है इस तरीके से याद रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज द टाइटल ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड संजीव जोशी पोएटिक क्रिएशन हाल ही में जारी संजीव जोशी जी की काव्य रचना का शीर्षक यानी कि उसका टाइटल आपका यहाँ पर क्या बनता है पांच ऑप्शन पांच ऑप्शन सही जवाब बताएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स और इसका सही जवाब बनता है एक समंदर मेरे अंदर एक समंदर मेरे अंदर ऑप्शन नंबर सी एक समंदर मेरे अंदर ये इनकी बुक का नाम है पोएटिक बुक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन इसके लिए मैं रहूंगा हाइड वॉट वॉज द थीम ऑफ द टेबल और दैट वॉन द फर्स्ट प्राइज अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज इन द रिपब्लिक डे परेड अवार्ड्स टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार दो हज़ार चौबीस में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार जीतने वाली झांकी का टाइटल क्या था इसका विषय क्या था पांच ऑप्शन किस थीम पर यह झांकी आपकी यहाँ पर बनाई गई थी तो इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर बी इसकी थीम आपके यहाँ पर थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि इन विकसित भारत एम्पावरमेंट इन विकसित भारत ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज द फर्स्ट अवार्ड अमंग कैटेगरी इन द रिपब्लिक डे पर गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2024 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच किस राज्य ने प्रथम झांकी प्रथम झांकी का जो पुरस्कार है वो यहां पर जीता है तो यहां पर जो नंबर वन पोजीशन पर अवार्ड आपका जीता था वो उड़ीसा राज्य की झांकी ने आपका यहां पर जीता था ऑप्शन नंबर 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 ऑप्शन पर था उड़ीसा नंबर सेकंड पोजीशन पर था गुजरात स्टेट की झांकी और नंबर थर्ड पोजीशन पर थी तमिलनाडु स्टेट की झांकी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन आईसी बोर्ड हैज लिफ्टेड दस्पेंशन

यहाँ पर निलंबित इसलिए किया था क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस श्रीलंका बोर्ड में आपका यहाँ पर बढ़ता जा रहा था जिसकी वजह से निलंबन उनको यहाँ पर झेलना पड़ा लगभग दो महीने का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस डायरेक्टर जनरल नेम इज अभिनव कुमार हैज इंट्रोड्यूस सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन पुलिस पेट्रोल स्ट्रेटेजीज दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी महानिदेशक अभिनव कुमार ने पुलिस गश्ती रणनीतियों में सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किए हैं यह पहल रिसेंटली किस भारतीय शहर में आपके यहां पर शुरू की गई है इस पहल को रिसेंटली शुरू किया गया है हरिद्वार में ऑप्शन नंबर ई हरिद्वार इज द राइट आंसर हेयर याद रखेगा ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट वन हरिद्वार इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका यहां पर बनेगा टेन एम सी क्यूज का डिस्कशन पूरा हुआ देन डू लाइक द सेशन जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक like ना किया हो क्विकली सेशन को लाइक like जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डेजिग्नेट जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव एज अ परमानेंट जज इन द झारखंड हाई कोर्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून और न्याय मंत्रालय ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड उच्च न्यायालय में परमानेंटली यानी कि स्थायी तौर पर आपके यहाँ पर स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नामित किया है तो आर्टिकल आपसे यहाँ पर पूछा गया है इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर टू हंड्रेड एंड सेवनटीन वन ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हियर ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हुन सिलेक्टेड एज द टॉर्च बियर फॉर दी 2024 पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जो समर ओलंपिक्स आयोजित होने वाले हैं पेरिस सिटी में उसके लिए मशाल वाहक टॉर्च बेयरर के तौर पर किसे आपको यहां पर चुना गया है पांच ऑप्शन तो मशाल वाहक यानी कि टॉर्च बेयरर के तौर पर आपके नियुक्त किए गए हैं अभिनव बिंद्रा अभिनव बिंद्रा कौन है अभिनव बिंद्रा बेसिकली एक आपके शूटर हैं भारतीय शूटर हैं अभिनव बिंद्रा और अभिनव बिंद्रा 2008 में 2008 में अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल आपके यहाँ पर जीता था और तब से लेकर अब तक वो भारत के इंडिविजुअल प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने इंडिविजुअल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था तो इनके रिकॉर्ड की बराबरी आपकी यहाँ पर की थी ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु इज अवॉर्डेड दी भारत रत्न 2024 थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिविलियन अवार्ड भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2024 से अभी रिसेंटली किसे आपके यहाँ पर सम्मानित किया गया है पांच ऑप्शन अभी रिसेंटली किसे सम्मानित किया गया है पांच ऑप्शन रीड करके बताएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा कल रात में मैंने आप सभी के साथ एक शॉर्ट वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया है ठीक है भारत रत्न 2024 के फाइव इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर तो आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है अभी तक जिन्होंने उस वीडियो को वॉच आउट ना किया हो तो वॉच आउट जरूर कर लीजिएगा ठीक है आ, एक मिनट का वीडियो है शॉर्ट वीडियो है आप सभी के साथ शेयर किया है तो वो शॉर्ट्स वाली कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा एल के आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी जी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जरा मुझे यह बताइएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी किस वर्ष में तो ये लिखकर कर बताएगा भारत के लास्ट यानी कि अंतिम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं भारत के अंतिम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इनके बाद कोई भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना उप प्रधानमंत्री आपके यहाँ पर नहीं बना दो नहीं महिमा 2015 में इनको पद में विभूषण आपका यहां पर दिया गया है और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी भारत के रह चुके हैं और ये अंतिम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके यहां पर थे ओनली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं अरपित लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहले भारत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की भी पोस्ट होती थी सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और लास्ट है आपके लालकृष्ण आडवाणी जी क्लियर है सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. सो हु वाज़ द फर्स्ट वेमेन टू रिसीव द भारत रत्न so भारत रत्न भारत, रतना, भारत रत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपके यहां पर बनता है सो so भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो आपकी यहाँ पर थी फर्स्ट फीमेल पर्सनैलिटी जो आपकी यहाँ पर थी वो आपकी थी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न आपका यहाँ पर दिया गया था नाइनटीन में उन्नीस में जब भारत बांग्लादेश मतलब भारत बांग्लादेश को लेकर जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और हम उसके विजेता बने थे तो उस वर्ष इन्हें यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार आपका यहाँ पर दिया गया था मदर टेरेसा जी को भारत रत्न अवार्ड आपके यहाँ पर दिया गया था 1980 में लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 2001 हजार एक में डॉक्टर भीम, भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था आई थिंक 1991 में अगर मैं सही हूँ विनोबा भावे जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया ये आप लोग लिखकर मुझे बताइएगा ये आप लोग लिखकर मुझे बताइएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर 15, सिटी टॉप पोजीशन फॉर द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द्रैफिक इंडेक्स ट्रैफिक इंडेक्स 2023, ठीक है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए कौन सा शहर टॉप पोजीशन पर बना हुआ है नंबर वन पोजीशन पर आपका यहाँ पर बना हुआ है पांच ऑप्शन सही जवाब जहां पर सबसे ज्यादा भीड़भाड़ आपकी यहां पर रहती है तो यहां पर नंबर वन पोजीशन नंबर सेकंड पोजीशन लंडन सिटी आपके यहां पर रहेगी लंडन सिटी में आज भी दस किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमें करीब करीब सैंतीस मिनट का वक्त लगता है जो कि दुनिया की सबसे स्लोएस्ट सिटी आपके यहां पर बन जाती है तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर अगर हम भारतीय शहरों की बात करें तो भारतीय शहरों में जो बेंगलुरु सिटी है वो टॉप टेन में आपके यहाँ पर शामिल है लास्ट ईयर बेंगलुरु सिटी की जो रैंक थी वो सेकेंड थी दुनिया का सेकेंड स्लोएस्ट सिटी लेकिन इस साल बेंगलुरु की जो पोजिशन है वो सिक्स पोजिशन आपकी यहाँ पर बनती है और सेवन्थ पोजिशन पर भी भारतीय शहर है जिसका नाम है आपका पुणे सिटी सेवेंथ पोजिशन पर भी पुणे सिटी आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाउ मेनी आर्स डिड दी बेंगलोरियंस स्पेंड इन ट्रैफिक ओवर अ ईयर अकॉर्डिंग टू द टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अनुसार बेंगलुरु वासियों ने एक वर्ष में टोटल कितने घंटे एवरेज यहाँ पर ट्रैफिक में ही गुजार दिए क्योंकि यहाँ पर इतना स्लो ट्रैफिक होता है तो एज ऑन एवरेज वन थ्री टू एक सौ बत्तीस घंटे एज ऑन एवरेज आपके यहाँ पर ट्रैफिक में ही खराब हो जाते हैं बेंगलुरु वासियों के क्योंकि इतना ट्रैफिक वहां पर होता है मैं भी वहां पर जब था तो हमने भी इस बात को फील किया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ऑन विच डेट डिड दी श्रीलंका सेलिब्रेट इट सेवेंटी सिक्स इंडिपेंडेंस डे श्रीलंका ने अपना छहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को आपके यहाँ पर मनाया है अभी रिसेंटली तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने अपना छह स्वतंत्रता दिवस मनाया है चार फरवरी 2024 को ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर 18 क्विकली आंसर दीजिएगा फ्रॉम विच कॉलोनियल पावर डि द श्रीलंका गेंद द इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन 1948 एट में श्रीलंका को आज़ादी मिली हमसे एक साल बाद तो श्रीलंका को किस औपनिवेशक शक्ति से आज़ादी आपके यहाँ पर मिली थी तो इनको इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर्स से यानी कि अंग्रेजों से और हमें भी जो आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से ही मिली थी तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हेयर गोवा को हमारे देश के गोवा राज्य को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली किस वर्ष मिली तो वर्ष लिखकर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 विच कमीशन फॉर्मड इन 1944 प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रिपेयरिंग सीलोन और श्रीलंका फॉर द सेल्फ गवर्नेंस 1944 में गठित किस आयोग ने सीलोन जो कि श्रीलंका का पुराना नाम या प्राचीन नाम बनता है इसको स्वशासन के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो इस कमेटी का नाम क्या था इस कमेटी का नाम था सोलबरी कमीशन ऑप्शन नंबर डी सोलबरी कमीशन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर here question number नाइनटीन के बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तमिल सुपर स्टार विजय हैज़ फॉर्म्ड हिज न्यू पॉलिटिकल पार्टी एंड विल कॉन्टेस्ट इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी सिक्स असेंबली इलेक्शन इन तमिलनाडु सो वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी तमिल सुपर स्टार विजय ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी आपके यहाँ पर बनाई है और वह तमिलनाडु में दो हज़ार छब्बीस के विधानसभा चुनाव आपके यहाँ पर लड़ेंगे उनके राजनीतिक दल का नाम क्या बनता है उनकी पोलिटिकल पार्टी का नाम है वेत्री कज़गम ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा ट्वेंटी एम से क्यूज का डिस्कशन हुआ पूरा देन डू लाइक द सेशन सभी लोग फटाफट से सेशन लाइक जरूर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आंसर दीजिएगा वॉट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल सेल ऑफ दर्टी 31 एम क्यू नाइन बी स्काई गार्जियन ड्रोन एंड रिलेटेड इक्विपमेंट टू इंडिया भारत को 31 एम क्यू नाइन बी स्काई गार्जियन ड्रोन और उससे संबंधित उपकरणों की संभावित बिक्री का अनुमानित मूल क्या है जो हम अमेरिका से यहाँ पर ये ड्रोन्स खरीद रहे हैं तो अमेरिका हमें लगभग कितने बिलियन यूएस डॉलर में ये ड्रोन्स आपके यहाँ पर सेल कर रहा है तो लगभग फोर बिलियन यूएस डॉलर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर

बुर्किना फासो माली और नाइजर ने पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से अपना तत्काल वापसी की घोषणा की है इकोवास नाम के ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा तो इसका हेडक्वार्टर अबुजा नाइजीरिया में लोकेटेड है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर Next question, question number 24. Quickly answer Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates, Iran, and Ethiopia officially joined the BRICS group.

Uh, who has been installed as Malaysia's एज king in a historic ceremony? हाल ही में एक ऐतिहासिक समारोह के माध्यम से मलेशिया के सतरवें राजा के तौर पर मलेशिया के सतरवें राजा के तौर पर कौन आपके यहाँ पर स्थापित हुए हैं या यूँ कहें कि कौन गद्दी पर आपके यहाँ पर बैठे हैं उनका नाम यहाँ पर बनेगा सुल्तान इब्राहिम ऑप्शन नंबर ए सुल्तान इब्राहिम इज द राइट आंसर ट्वेंटी फाइव एम से क्यूज यानी कि हमने इस क्लास का इस सेशन का ट्वेंटी फाइव परसेंट सेशन कंप्लीट कर लिया है सो डू लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड दी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो सो के ग्लोबल मोबिलिटी सो वेयर इज द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर बींग कहा पर लोकेशन क्या रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक गतिशीलता में भारत के उदय को प्रदर्शित करते हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया है तो इसका आयोजन किस भारतीय शहर में किया जा रहा है सिटी में किया जा है है इसका सही है, इसका सही जवाब नई नई दिल्ली दिल्ली आयोजन में आपका यहां पर किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर द राज्यसभा इन आप दउ स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन फिल्म थ्रॉपी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट शिक्षा परोपकार और सामुदायिक विकास में उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम लेकर राज्यसभा में रिसेंटली किसे आपके यहां पर नियुक्त किया गया है तो राज्यसभा के लिए रिसेंटली आपके जो नियुक्त हुए हैं अपॉइंट हुए हैं सतनाम सिंह संधू ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हियर सतनाम सिंह संधू इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके यहां पर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं तो टोटल कितने सदस्यों की पावर उनके पास होती है ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास सामने फटाफट से रीड करके मुझे बताएगा सही जवाब तो टोटल आपके यहाँ पर जो उनके पास पावर होती है टोटल 12 सदस्यों को वो नियुक्त आपके यहाँ पर कर सकती हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है टोटल 12 मेंबर्स को वो यहाँ पर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

क्वेश्चन नंबर थर्टी क्विकली आंसर दीजिएगा इन विच पोजीशन हैज मुकेश अंबानी बीन रैंक्ड ग्लोबली इन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी जी को ग्लोबल लेवल पर वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है तो वैश्विक स्तर पर इनकी रैंक है आपकी यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी आ हु हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप पर्सनैलिटी ग्लोबली इन द्रैंड गार्जियनशिप इंडेक्स टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर ब्रैंड गार्जियनशिप इंडेक्स दो हज़ार चौबीस में विश्व स्तर पर शीर्ष व्यक्तित्व के तौर पर किसे स्थान आपके यहाँ पर दिया है तो नंबर वन पोजिशन पर कौन आपके यहाँ पर रहे हैं तो नंबर वन पोजिशन पर जो रहे हैं उनका नाम रहेगा होतेंग माँ होतेंग माँ ऑप्शन नंबर D is the right answer here. Next question question number 32. विच यूरोपियन कंट्री बिकेम द फस्ट टू अडोप्ट इंडियाज़ यू पी आई फॉर रिटेल ट्रांजेक्शन्स कौन सा यूरोपीय देश रिटेल ट्रांजेक्शन्स के लिए भारत के यू पी आई को अपनाने वाला पहला देश आपके यहाँ पर बन गया है तो इस कंट्री में अगर आप जाएंगे और आईफिल टावर वगैरह में अगर आप विजिट करते हैं आईफिल टावर वगैरह आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर यू पी आई वगैरह की सुविधा मिल जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स विल बी कंडिंग द एक्सरसाइज दैट इज वायु शक्ति टू थाउजेंड एंड टी फोर अलॉन्ग विदी सो वेयर विल दिसकटेड भारतीय वायु सेना भारतीय सेना के साथ मिलकर वायु शक्ति 2024 अभ्यास आपका करेगी यह अभ्यास कहां पर आयोजित किया जाएगा इसकी लोकेशन आपके यहां पर रहेगी जैसलमेर राजस्थान ऑप्शन नंबर सी यस जैसलमेर राजस्थान एग्जैक्ट लोकेशन पोखरण के पास रहेगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं रहूंगा हाइट ध्यान से रीड करके आंसर दीजिएगा वॉट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिलीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इन द सूरज कुंड फरीदाबाद ऑन सैटरडे शनिवार को फरीदाबाद के सूरज कुंड में उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर के द्वारा जारी की गई पुस्तक का टाइटल आपका यहां पर क्या है ऑप्शन नंबर ए का नाम है यहां पर डायनेमिक लीडरशिप ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा ऑप्शन नंबर बी है प्रोग्रेसिव पॉलिसीज आ डिकेड ऑफ हरियाणा सक्सेस सी डी और ई e, आप सभी के सामने है और इसमें से सही जवाब इस क्वेश्चन का बनता है ऑप्शन नंबर ई यानी कि नाइन इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इमरजेंस ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वॉट वॉज द टोटल ट्रांजैक्शन स्पेंड वाया दी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इन जनवरी टू एंड ट्वेंटी फोर जनवरी दो हजार चौबीस में यूपीआई के माध्यम से जो टोटल लेन देन है कुल लेन देन का जो खर्च था वो आपका यहाँ पर लगभग कितने अमाउंट का था पांच ऑप्शन फटाफट से बताएगा सही जवाब फटाफट से बताएगा सही जवाब करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 18.41 लाख करोड़ अमाउंट आपके यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट वाज द परसेंटेज

आधिकारिक चेहरा यानी कि फेस भी बन गए हैं आप इन्हें इनके ऑडियो प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं ये आपके एक्टर यहाँ पर बनते हैं रणवीर सिंह ऑप्शन नंबर डी रणवीर सिंह इज द राइट आंसर हिस्स ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन आहू हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द यमन न्यू प्राइम मिनिस्टर बाई द प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल रिसेंटली राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली परिषद के द्वारा यमन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसे आपके यहाँ पर नियुक्त किया गया है तो यमन के नए प्रधानमंत्री रिसेंटली जो आपके यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अहमद आवाद बिन मुबारक जिन्हें हो मुबारक इन्हें मुबारक हो कि ये नए प्राइम मिनिस्टर आपके यहां पर बन गए हैं यमन के क्वेश्चन ऑफ यमन जीके so का क्वेश्चन यमन ने विदेश मंत्री अहमद अवध बिन मुबारक को प्रधानमंत्री आपके यहाँ पर नियुक्त किया है इस क्रम में यमन की राजधानी कहाँ पर लोकेटेड है पांच ऑप्शन बताएगा सही जवाब यमन की राजधानी बनती है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर 40 एमसीक्यूज का डिस्कशन हुआ पूरा देन डू लाइक जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो सभी लोग क्विकली सेशन को लाइक कर दीजिएगा लाइक की संख्या कम है और जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं उसके मुकाबले लाइक्स की संख्या कम है तो फटाफट से जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया से लाइक करो, पर सेशन आपकी है ना डेली बेसिस पे ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स में मास्टर्स आप कर लोगे या करंट अफेयर्स मास्टर आप बन जाओगे हाउ मच डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आर डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इनक्रीज फ्रॉम दिस से 2023 हजार 2022 से लेकर सितम्बर 2023 तक आर का डिजिटल भुगतान सूचकांक लगभग कितना आपके यहाँ पर इंक्रीज हुआ है कितना आपके यहाँ पर बढ़ गया है तो आ, इसके लिए सही जवाब होगा 31.31 ऑप्शन नंबर डी यस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू थोड़ा सा क्विकली आंसर दीजिएगा हु हैज़ बीन तो ये क्वेश्चन तो आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है सुल्तान इब्राहिम इस क्वेश्चन के सही जवाब थे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी की फोर्टी नंबर क्वेश्चन जिसके लिए मुझे होना होगा यहाँ पर हाइड इनोग्रेटेड दी केयर्स वेब पोर्टल सो विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप दी केयर्स वेब पोर्टल केंद्रीय मंत्री ने रिसेंटली सी केयर्स वेब पोर्टल का उद्घाटन आपके यहां पर किया है तो इस पोर्टल को किस संगठन के द्वारा विकसित आपका यहाँ पर किया गया है पांच ऑप्शन इसे विकसित किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जिसे हम लोग सी डेक के नाम से जानते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनग्रेटेड दी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो एक्सपोर्ट इंडिया इन ग्लोबल मोबिलिटी सो वेयर इज द भारत मोबिलिटी हेल्थ तो ये तो आंसर ये तो क्वेश्चन हो चुका है इसका सही जवाब था नई दिल्ली में इसका आयोजन आपके यहाँ पर किया जा रहा है हाँ ये हो चुका है आगे बात करते हैं ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर हो चुका है सतनाम सिंह संधू ये भी हो चुका है कि बारह लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं राष्ट्रपति चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नासा हैज कंप्लीटेड द फर्स्ट फेज ऑफ इट्स प्रोजेक्ट टू डेवलप अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर फॉर द मून सो विच कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट मैं यहां पर रहूंगा हाइट नासा ने चंद्रमा के लिए परमाणु विखंडन रिएक्टर विकसित करने की अपनी परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया है इस परियोजना में कौन से घटक या कंपोनेंट्स आपके यहाँ पर शामिल हैं पांच ऑप्शन ध्यान से रीड करके आंसर दीजिएगा नासा हैज़ कंप्लीटेड द फर्स्ट फेज ऑफ इट्स प्रोजेक्ट टू डेवलप अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर और ये चांद के लिए होगा मून के लिए होगा इसमें पावर कन्वर्जन सिस्टम जो है वो आपके यहाँ पर शामिल है Power conversion system. Option number C is the right answer here. Question number 46. फोटोग्राफ़ टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड फिफ्टी नाइन पीपल्स चॉइस अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर फिफ्टी नाइन पीपल्स चॉइस अवार्ड के विजेता फोटोग्राफर के तौर पर कौन उभर कर सामने आपके यहाँ पर आए हैं तो इसकी विजेता फोटोग्राफर आपके यहाँ पर बने हैं नीमा कहानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके यहां पर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे होना होगा यहां पर हाइट ध्यान से रीड करके आंसर विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द विनिंग फोटोग्राफ इन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स च्वाइस अवार्ड निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड के विजेता तस्वीर के विषय को थीम को सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब आपके यहाँ पर करता है तो इसका सही जवाब आपके यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी अ स्लीपिंग पोलर बियर वो इमेज मैंने आपको डेली करंट अफेयर सेशन में दिखाई थी एक पोलर बियर था जो कि आइस बेड पर सो रहा था ये उसका विषय था तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर उसकी थीम थी क्वेश्चन नंबर फोर्टी ध्यान से इसका भी आंसर दीजिएगा इसके लिए भी मैं पर रहूंगा हाइट विच इंस्टीट्यूट परमानेंट कैंपस डिट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनग्रेट ड्यूरिंग दिकसित भारत एंड विकसित टू थाउजेंड एंड फोर्टी सेवन प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत और विकसित ब्लैंक uh, 2047 इवेंट के दौरान किस संस्थान के स्थाई परिसर का उद्घाटन किया है तो यह स्थायी परिसर आपका यहाँ पर बना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा का तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर विकसित भारत विकसित गोवा दो कार्यक्रम के दौरान तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच स्टेट हैज लॉन्च दी महतारी वंदन योजना टू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल दुम इन दस राज्य ने राज्य की सभी विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मेहतारी वंदन योजना दो हजार चौबीस आपकी यहां पर शुरू की है राज्य का नाम आपका यहां पर बनेगा छत्तीसगढ़ स्टेट ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ये छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल दत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रोवाइड अंडर दी महतारी वंदन योजना महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार कितनी वित्तीय सहायता आपकी यहाँ पर प्रदान करेगी कितनी वित्तीय सहायता आपकी यहाँ पर प्रदान करेगी पांच ऑप्शन बताएगा सही जवाब पांच ऑप्शन सही जवाब करेक्ट आंसर तो जो वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी वो होगी वन थाउजेंड रुपी पर मंथ और ट्वेल्व थाउजेंड रुपी बारह तो लेते हैं सेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है तो थोड़ा सा जश्न मनाइए फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए कमेंट सेक्शन को खुशियों से तालियों से क्लैपिंग से आतिशबाजी से भर दीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा अभी यहाँ पर ठीक है वॉट इज द एज क्राइटेरिया फॉर द एलिजीबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहां पर उन महिलाओं को यहाँ पर, पर मंथ मिलेगा जिनकी एज कम से कम इक्कीस साल से ज्यादा हो क्वेश्चन नंबर टू ध्यान से रीड करके आंसर दीजिएगा मैं हु इज एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम दी चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना लॉन्च बाई दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वयोश्री योजना का लाभ पाने के लिए कौन इसमें पात्र आपका यहाँ पर होगा तो यहाँ पर वो सीनियर सिटीजन आपके यहाँ पर पात्र होंगे जिनकी उम्र सिक्सटी फाइव ईयर से आपकी यहाँ पर ज्यादा है तो ऑप्शन नंबर बी

वॉट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द आर बी आई अप्रूवल फॉर द एच डी एफ सी बैंक टू अक्वायर एन एग्रीगेट होल्डिंग इन दिक्कस बैंक लाइक एक्सिस बैंक आई सी आई सी आई बैंक एंड येस बैंक इसमें नाइन पॉइंट फाइव परसेंट तक की ऑनरशिप ये बैंक हासिल कर सकता है टाइम पीरियड एचडीएफसी बैंक को एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक और एस बैंक जैसे छह बैंकों में कुल हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की जो मंजूरी मिली है उसकी अवधि आपके यहां पर क्या है उसका टाइम पीरियड आपके यहां पर क्या है तो ऑप्शन नंबर सी वन ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 हू मेड द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ द एराटोस्थनीज एराटोस्थनीस कैन डेटिंग बैक अप्रॉक्सिमेटली 5.5 पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स लगभग 5.5 मिलियन वर्ष पुरानी एराटोस्थनीस घाटी की अभूतपूर्व खोज यहां पर किस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी यहां पर की गई है तो ये इंस्टीट्यूट आपका बनता है जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इसराइल ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन.

देखिए जो इंस्टीट्यूट है वो आपके यहां पर रहेगा जो हमने अभी पीछे डिस्कशन किया कि ये है जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इसराइल ठीक है तो खोज इन्होंने आपके यहां पर की है ठीक है खोज इन्होंने आपके यहां पर की है और क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि साइप्रस की जो राजधानी है वो आपके यहाँ पर क्या है ठीक है तो फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपके यहां पर क्या बनेगा सभी लोग देखिए यहां पर इसराइल की कैपिटल भी आपके सामने है जराइल की कैपिटल क्या है यहां पर तो आंसर है ही नहीं इसको एक काम करता हूं साइप्रस हटा देता हूं यहां से अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि इसराइल की राजधानी क्या है तो यह आप लोगों के लिए आंसर आसान रह जाएगा यह आप मुझे बताएगा कि यहां पर मैंने आपसे पूछा है कि इसराइल की राजधानी क्या है तो इसराइल की राजधानी आपके यहां पर बनेगी जेरूसलीम ऑप्शन नंबर डी बाकी साइप्रस की जो राजधानी आपकी यहाँ पर बनेगी वो निकोसिया नाम की सिटी है निकोसिया वो राजधानी आपकी यहाँ पर रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड दी ओ एन जी सीज सी सर्वाइवल सेंटर इन विच स्टेट टू ट्रेन टेन थाउजेंड टू फिफ्टीन थाउजेंड पर्सनल एनुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में सालाना दस हजार से लेकर पंद्रह हजार कर्मियों को ट्रेन करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए ओ एन जी सी के समुद्री ओ एन जी सी के समुद्री सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है किस स्टेट में पांच ऑप्शन सही जवाब करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा ओ एन जी सी का सर्वाइवल सेंटर का सर्वाइवल सेंटर इसका उद्घाटन जो आपके यहाँ पर हुआ है वो गोवा राज्य में आपके यहाँ पर हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी गोवा स्टेट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 ध्यान से आंसर दीजिएगा हु वॉज रिसेंटली सोन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाटी हाई कोर्ट रिसेंटली गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसने आपके यहाँ पर शपथ ली है गौहाटी हाँ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रिसेंटली किसने आपकी यहाँ पर शपथ ली है पांच ऑप्शन सही जवाब जस्टिस विजय विश्नोई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर गोहाटी चीफ जस्टिस के तौर पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इसके लिए मैं यहां पर रहूंगा हाइट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एज की रिसेंटली अ न्यू चीफ जस्टिस न्यू चीफ जस्टिस हैज बीन अपॉइंटेड फॉर दी गुवाहाटी हाई कोर्ट सो हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया सिंपल सा क्वेश्चन है हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके यहाँ पर की गई है तो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है गवर्नर करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर देश के राष्ट्रपति करते हैं देश के राष्ट्रपति

रिटर्न टू द सिस्टम बाय द जनवरी 2024 आरबीआई के अनुसार 31 जनवरी 2024 तक कितने प्रतिशत दो रुपए के नोट्स जो हैं वो सिस्टम में वापस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो 97.5 परसेंट दो रुपए के जो नोट हैं वो सिस्टम में आपके यहां पर वापस आ गए हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर 64 ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके आंसर दीजिएगा कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला आगे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि सूरज कुंड क्राफ्ट मेला को संबंधित स्टेटमेंट्स हैं पहला स्टेटमेंट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का इनाग्रेशन किया दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इस साल ये सैंतीसवां एडिशन यहाँ पर बनता है सूरज कुंड मेले का नंबर थ्री तंजानिया जो है वो इस साल मेले का पार्टनर कंट्री आपका यहाँ पर रहेगा और उत्तर प्रदेश राज्य इस साल आपका थीम स्टेट रहेगा तो इन चार स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर फोर देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ने इस मेले का उद्घाटन किया था और उत्तर प्रदेश इस साल का थीम स्टेट नहीं है इस साल का थीम स्टेट आपका रहेगा गुजरात स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर महागौरव अवार्ड 2024 महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महागौरव 2024 पुरस्कार किसे आपके यहां पर दिया गया है तो यह पुरस्कार रिसेंटली आपके यहां पर दिया गया है निखिल वाघ को ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी U.S. Department, डिपार्टमेंट State Department स्टेट डिपार्टमेंट हैज़ अप्रूव दी हाउ Sky क्यू नाइन बी स्काई गार्जियन ड्रोन्स टू इंडिया फॉर नियरली फोर बिलियन डॉलर अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को लगभग चार बिलियन यूएस डॉलर में कितने क्यू नाइन बी स्काई गार्जियन ड्रोन्स को मंजूरी बेचने को मंजूरी आपकी यहाँ पर दी है तो इनकी संख्या बनती है थर्टी वन ऑप्शन नंबर सी थर्टी वन इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन हाउ मेनी साइट्स रिसेंटली एडेड टू द रामसर साइट्स फ्रॉम द इंडिया हाल ही में भारत से टोटल कितनी रामसर साइट्स को ऐड यहां पर किया गया है जिसके बाद टोटल रामसर साइट्स इंडिया के अंदर एट्टी हो गई हैं तो यहां पर सही जवाब है रिसेंटली पांच रामसर साइट्स को ऐड किया गया है जिसमें से तीन रामसर साइट्स कर्नाटक राज्य से हैं और दो रामसर साइट्स आपकी तमिलनाडु स्टेट में हैं तो टोटल अब इनकी संख्या 80 आपकी यहां पर हो चुकी है

next question question number 69 which uh, sorry what is the allocated budget for the sovereign gold bonds issuance in the upcoming fiscal year 2024-25 आगामी वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने के लिए आवंटित जो बजट आपका यहां पर है वो बजट आपका यहां पर कितने अमाउंट का है तो ये बजट आपका यहां पर 3500 करोड़ का बजट आपका यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 3500 करोड़ इज द राइट आंसर है। ध्यान से आंसर करो सभी लोग ठीक है रिविजन कर रहे हो कोशिश करो कि आंसर गलत ना हो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच कंट्री हैज वोन द फर्स्ट एफ आई एच मैंस हॉकी फाइव्स वर्ल्ड कप टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर के शेष ने पहला एफ आई एच पुरुख पुरुष हॉकी फाइव एस विश्व कप 2024 आपके यहां पर रिसेंटली जीत लिया है तो ये कंट्री आपके यहां पर बनती है नीदरलैंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर जिन भी स्टूडेंट्स ने शाम पांच बजे की एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर्स का सेशन लगाया होगा वही स्टूडेंट इन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेली बेसिस पर शाम पांच बजे एम्बाइव एप्लीकेशन पर जो आपका डेली करंट अफेयर सेशन होता है वहां पर लेटेस्ट करंट अफेयर्स और अलग करंट अफेयर्स डिस्कस होती है सुबह आठ बजे के मुकाबले तो वहां पर भी सेशन को ज्वाइन किया करो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन फिफ्टी नाइन ईयर ओल्ड कॉस्मोनॉट नाम इनका रहेगा ओलेग 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 कोनोनैंको हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंट इन स्पेस ही इज फ्रॉम विच कंट्री उनसठ वर्षीय अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो आपका तोड़ दिया है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो बिलोंग आपके यहाँ पर करते हैं रशिया से और जब तक वो अपने मिशन से वापस आएंगे तब तक वो एक हजार दिन अंतरिक्ष में पूरे आपके यहाँ पर कर चुके होंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू हेज गिंगो हेज गिंगो रिसेंटली एट द एज ऑफ एटी टू सो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हेज गिंगो का हाल ही में बयासी वर्ष की आयु में निधन आपका यहाँ पर हो गया है वह किस देश के राष्ट्रपति आपके यहाँ पर बनते हैं वे राष्ट्रपति आपके यहाँ पर बनते हैं पांच ऑप्शन सही बताओ कहाँ के तो इसका सही जवाब रहेगा नामीबिया ऑप्शन नंबर डी नामीबिया इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्री आर नॉट ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप रिसेंटली हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स समूह को या ब्रिक्स समूह में वह शामिल नहीं हुआ है या ब्रिक्स ग्रुप में उसको उसने ज्वाइन नहीं किया है उसकी ट्रिक भी आपके यहाँ पर बनती है आई सी यू आई सी यू जिसमें आई का मतलब है ईरान एस का मतलब है सऊदी अरेबिया ई e का मतलब है इजिप्ट और ई e का मतलब है इथोपिया और यू का मतलब है यू और इन पांच कंट्रीज़ में इराक का नाम नहीं है दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इब्राहिम इसक हैज़ बिकम द न्यू सुल्तान ऑफ विच कंट्री इब्राहिम इसकंदर को किस देश का नया सुल्तान आपके यहाँ पर रिसेंटली बनाया गया है तो ये रिसेंटली सुल्तान आपके यहाँ पर बने हैं मलेशिया के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव जिसके लिए मुझे होना होगा यहाँ पर हाइट वॉट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ घर पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज हाल ही में समाचारों में देखे गए घर पोर्टल का जो प्राथमिक उद्देश्य है प्रमुख काम है मेन काम है वो आपके यहाँ पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन तो इस पोर्टल का जो मेन काम यहाँ पर बनेगा वो है डिजिटली ट्रैक और मोनिटर करना द रिस्टोरेशन एंड द रिपेट्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रेन तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द ऑपरेशन स्माइल एक्स टू रेस्क्यू दी चाइल्ड लेबरर्स हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स आपके यहाँ पर शुरू किया है तो स्टेट गवर्नमेंट का नाम जिन्होंने स्माइल एक्स ऑपरेशन शुरू किया है वो रहेगी तेलंगाना गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन आई एन एस संधायक रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ वॉट काइंड ऑफ वेसल हाल ही में समाचारों में खबरों में चर्चा में आने वाला जहाज़ आई एन एस संधायक आपका चर्चा में था तो यह जहाज़ किस प्रकार का जहाज़ आपके यहाँ पर बनता है ये एक सर्वे वेसल शिप है जिसे सर्वे वगैरह के लिए ये, ये यूज़ किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट थानथाई पेरियार पेरियर वन्य जीव अभ्यारण रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट थान पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में समाचारों में थी खबरों में थी किस राज्य में आपकी यहाँ पर मौजूद है तो ये मौजूद है आपकी तमिलनाडु स्टेट में ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु स्टेट इज द राइट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन आंसर दीजिएगा डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट हाल ही में समाचारों में खबरों में देखी गई डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव किस राज्य से संबंधित इनिशिएटिव यह आपके यहाँ पर बनता है तो ये कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जहाँ पर बच्चों से जो ऑनलाइन लत है उसे छुड़ाने या मोबाइल स्क्रीन की लत छुड़ाने की कोशिश की जाएगी क्वेश्चन नंबर एटीन एयरपोर्ट विल द 242 फोर्टी टू फीट हाई स्टैच्यू ऑफ आदि आदि योगी शिवा बी इंस्टॉल्ड आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा रिसेंटली या जल्द ही किस हवाई अड्डे के पास आपके यहां पर स्थापित की जाएगी पांच ऑप्शन ये हवाई अड्डा रहेगा नोएडा के नोएडा के पास जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर एटी

दी बारामुंडा इंटर स्टेट बस टर्मिनल इन भुवनेश्वर बी नेम्ड भुवनेश्वर में बारामुंडा अंतर्राज्य बस टर्मिनल का नाम किसके नाम पर आपके यहाँ पर रखा जाएगा पांच ऑप्शन इसका जो नामकरण आपके यहाँ पर किया जाएगा वो किसके नाम पर होगा इसका नामकरण आपका यहाँ पर होगा बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हि क्वेश्चन नंबर एटी थ्री आज रिसीव्ड द आउटस्टैंडिंग बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अवार्ड ध्यान से रीड करके आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आउटस्टैंडिंग बिजनेस विमन ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पुरस्कार किसे आपके यहां पर रिसेंटली दिया गया है तो यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर बीना मोदी को ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 84 वॉट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट फीमेल रोबोट की पहली महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में आपकी उड़ान भरेगी पांच ऑप्शन जो अंतरिक्ष में आपकी उड़ान भरेगी पांच ऑप्शन इस रोबोट का नाम है व्योम मित्रा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर ठीक है, है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी फाइव ध्यान से आंसर दीजिएगा क्रिएशन ऑफ टू न्यू डिस्ट्रिक्ट दो नए जिले एडमिनिस्ट्रेशन administration, administration की आसानी के लिए टू कार्वाउट इन्हें बनाया जाएगा पहला तो आपके यहाँ पर बनेगा लोअर सुबन सीरी से आपके यहाँ पर बनाया जाएगा के पेन्योर district और दूसरा जो बनेगा बिचोम यह बनाया जाएगा west कामेंग district से तो ये दोनों जिले नए जिले बनाए जाएंगे किस राज्य में पांच ऑप्शन सही जवाब तो ये दोनों नए जिले बनेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर तो ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स हु हैज इनोग्रेटेड द टू डे उल्लास मेला एट नेशनल बाल भवन न्यू डेली राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में दो दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन जो आपके यहाँ पर किया गया है किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा किया गया है तो इसका सही जवाब आपके यहाँ पर बनेगा धर्मेंद्र प्रधान इसका सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एटी सेवन क्वेश्चन नंबर एटी सेवन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के तौर पर रिसेंटली किसे आपके यहाँ पर नियुक्त किया गया है तो यहां पर अपॉइंट हुई है मीओ ओ का ऑप्शन नंबर सी मीओ ओ का इज द राइट आंसर है मीयू का इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर एटी एट च इंडियन सेलिब्रिटी वॉज ग्रांटेड द यूनाइटेड अरब अमीरात गोल्डन वीजा रिसेंटली किस भारतीय सेलिब्रिटी को रिसेंटली संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा आपके यहाँ पर प्रदान किया गया है तो यह है सुपर थर्टी के फाउंडर आनंद कुमार ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एटी नाइन क्वेश्चन नंबर एटी नाइन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू मेक बस ट्रेवल फ्री फॉर दी ट्रांसजेंडर्स किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने जो आपके ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है तो ये यहां पर uh, बनेगा न्यू डेली जिन्होंने अभी रिसेंटली ये किया है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटी हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फास्ट बॉलर ट इन दई सी आई सी आई टेस्ट आई सी सी टेस्ट रैंकिंग आई सी सी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पोजिशन हासिल करने वाले जो पहले भारतीय तेज गेंदबाज आपके यहाँ पर बने हैं पहले भारतीय तेज गेंदबाज आपके यहाँ पर बने हैं उनका नाम इनका नाम आपके यहाँ पर बनेगा जसप्रीत बुमराह ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन क्विकली आंसर दीजिएगा

पर शामिल हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं इसमें आप के हाँ पर शामिल नहीं है तो ए, right सभी लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, सभी डाल सभी कमेंट में इसका आंसर डाल कि किस राज्य सरकार ने छवी से बारहवीं क्लास तक पाठ्यक्रम में श्रीमद भगवत गीता के मूल्यों को शामिल करने की घोषणा की है स्टेट गवर्नमेंट का नाम और क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन इस का आंसर भी वीडियो के नीचे आप सभी को कमेंट सेक्शन में यहां पर करना है तो इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा इसकी पीडीएफ कुछ ही समय में आपके साथ शेयर हो जाएगी तो वहां से पीडीएफ से आप सारे क्वेश्चन और आंसर आउट कर पाओगे ठीक है आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना यह है कि इसी YouTube चैनल पर जिन लोगों ने भी अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा 93 थ्री एम से क्यों इसका कर लिया और आई होप कि इससे आपको करंट अफेयर्स लर्न भी होगी YouTube चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाइएगा शॉर्ट्स वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा वहां पर कल रात को मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया है उसको भी एक बार वॉच आउट ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक का आपका जो स्केड्यूल है बाइव एप्लीकेशन का

और अगली क्लास जो आपको यहाँ पर मिलेगी वो मिलेगी शाम पाँच बजे की क्लास जहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स एम सी क्यूज का डिस्कशन करते हैं और लिखकर मुझे बताएगा कि आज का सेशन कैसा लगा लगा तो सबको काफी अच्छा ही है यहाँ पर आंसर है नाइस सेशन सर थैंक यू निधि ने आंसर यहाँ पर दिया है ज्योति कह रही है थैंक यू सर रिपर्णा कह रही है थैंक यू हाँ नाइनटी थ्री ही हुए हैं आज कोई बात नहीं कनिष्का कह रही है थैंक यू राखी गर्ग थैंक यू रिपर्णा ऑसम सेशन महिमा थैंक यू इपशिता थैंक यू तहरीन थैंक यू साथी देवार थैंक यू हिमानी थैंक यू महिमा ओके वेरी गुड थैंक यू फॉर माइंड ब्लोइंग सेशन इस सेशन से करंट अफेयर्स को याद रखने में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और मुझे बताएगा कि 5 पीएम का जो सेशन है एम बाइव एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर्स एम से क्यू वो भी डेली बेसिस पर ज्वाइन करो ताकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स से हमेशा अपडेटेड रहो प्रैक्टिस वाले टैब पर जाओ एम्बाइव एप्लीकेशन के प्रैक्टिस वाले टैब पर जाकर अपनी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यू करो डेली बेसिस पर थोड़ा वक्त निकालो प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है और टेस्ट वाले टैब पर जाओ वहाँ पर आप वहाँ पर मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो ठीक है तो आज के लिए सेशन में इतना ही दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा लिखकर बताएगा सेशन कैसा लगा थैंक यू सो मच एमबाईव एप्लीकेशन नेक्स्ट भी 1pm और 5pm के सेशन रजिस्टर कर लीजिएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच कीप एमबाईविंग वी बिलीव इन यू